है। और अब देखते हैं बैंकों की क्या भूमिका है झारखंड में। राज्य के विकास में बैंकों की बहुत अहम भूमिका होती है। व्यावसायिक गतिविधियों के तहत ये जरूरतमंदों के बीच ऋण मुहैया कराते हैं, लेकिन झारखंड में बैंक बेईमान हो गए हैं। ये राज्य के लोगों को ऋण मुहैया कराने में कंजूसी कर रहे हैं, जिसके चलते राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के तहत बैंक विभिन्न मदों में लोगों को ऋण मुहैया कराते हैं, जो साख जमा अनुपात यानी कैश डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है। भारत सरकार के वित्त विभाग के मानकों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये सीमा 60% है, लेकिन झारखंड में बैंक ऋण मुहैया कराने में कंजूसी कर रहे हैं, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे लोग जो है बैंकों में पैसा अपना जमा कराते हैं और बैंक यहाँ पर लोगों को, उद्यमियों को, व्यापारियों को लोन देने के बजाय ये रुपया जो है अन्य प्रांतों में लगा रहा है। जानकार बताते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है, इसके साथ ही बैंकों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। बैंकर्स का कहना है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर बैंक फील करते हैं कि यहाँ क्लाइमेट नहीं है तो ये राज्य सरकार का भी दायित्व है कि उस क्लाइमेट को वहां पे प्रोड्यूस करें, सो दैट कि बैंकर्स क्यों नहीं पैसा देंगे, वो तो बिजनेस के लिए यहां पर है, प्रॉफिट के लिए है। और ऐसे बैंकों को धमकाने की भी जरूरत है जो यहां से पैसा लेके बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे बैंक भी हैं जिनका सीडी रेशियो अच्छा कहा जा सकता है। इनमें SBI, HDFC, एक्सिस और कोटक महिंद्रा जैसे बैंक प्रमुख हैं। सीडी रेशियो को आधार बनाते हुए बिहार ने 21 बैंकों को काली सूची में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड भी इस तरह की पहल करेगा। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला लूटा क्यों? मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है। कैमरामैन प्रणव शंकर के साथ नवीन कुमार, सहारा समय, रांची।